अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड क्रिस्पी चिकन चीज़ सैंडविच। जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो चले शुरू करते हैं। पैन में एक चम्मच तेल डालें सबसे पहले। अब इसमें हम मुर्गी का कीमा शामिल करेंगे, 250 ग्राम लिया है हमने, आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जी नाजरीन, जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुर्गी का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम पीसी मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। अब इसमें हम जर्दे का रंग डालेंगे एक चुटकी। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अब इसमें मज़ीद जायके के लिए एक खाने का चम्मच चिल्ली सॉस शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे, एक खाने का चम्मच केचप भी डालेंगे हम इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसको गलाने के लिए 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल हलवा हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, गल जाए। कीमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा सैंडविच के लिए। सैंडविच के लिए आप ब्रेड्स लेंगे, उसके कॉर्नर रिमूव कर दीजिए। अब ब्रेड पे तैयार करदा चिकन शामिल करेंगे। ब्रेड पर चिकन को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर लीजिए। अब इसमें हम कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई सी भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब तक हम इसमें चीज़ डाल लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चीज़ डालने के बाद इसको आराम आराम से प्रेस करेंगे। अब इसको हम 4 पीस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से अंडे में डिप कर लीजिए चारों तरफ से। डिप बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स हमारे लग चुके हैं तकरीबन। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक चारों तरफ से फ्राई करें, ताकि ये अच्छे तरीके से सब तरफ से पक जाए। जी नाज़रीन, एक साइड हमारी हो चुकी है। अब इसको हम पलट देंगे। ये नाज़रीन, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। आप इसको आम रोटिंग में भी, शाम की चाय में भी बना सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जी नाज़रीन, ब्रेड क्रिस्पी चिकन चीज़ सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करते हैं।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।